दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, पाक एम्प्लाइज टीवी में खुश आमदीद। तनख्वाह, पेंशन, जॉब्स, मुराद और दीगर नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, अपने चैनल पी के मिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाजिर है सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक ज़बरदस्त खबर के साथ। ये खबर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी मुलाजिमीन के लिए। सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की उम्र 63 साल करने की तजवीज़ फ़ाइनल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की मुद्दत 60 से 63 साल करने की तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। चारों सूबाई हुकूमतों और वजारत ख़जाना की बाहमी मशावरत के बाद रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल की तोसी किए जाने के इम्कान है। ज़राए ने बताया कि चारों सूबाई हुकूमतों को आगाह किया गया है कि 18वीं तरमीम के बाद इन मामलात का इख्तियार सूबाई हुकूमतों को दिया गया है। सूबाई हुकूमत को रिटायरमेंट की मद में हर साल इजाफी लाखों रुपए देना पड़ते हैं। महकमा ख़जाना के ज़राए ने बताया कि सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की मुद्दत 60 से बढ़ाकर 63 साल करने की मंजूरी सूबाई काबीना के आइंदा अजलास से ली जाएगी और ये तजवीज़ सूबाई काबीना के अजलास में पेश की जाएगी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद इस ज़मन में समरी सूबाई हुकूमत को अरसाल की जाएगी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद इसे सूबे भर में नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। ताहम ज़राए ने बताया कि नए माली साल के बजट के मौके पर इसे नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत वफाक भी इन तजावीज़ पर गौर कर रही है। दोस्तों ये थी आज की खबर जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।